भाई यार यहाँ पर पंगा हो चुका है किसी का। सो गाइस चलो अब जल्दी से चलते हैं गाड़ी के अंदर। चलते हैं जल्दी से। सो हे हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस पर इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए। सो ये हमारा होने वाली है छोटी सी ट्रैवलिंग वाली व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं सोने चाचा की कार से और अपनी बाइक से यार वो भी कहाँ पर पता है ट्रैवलिंग पे। सो भाई ये है अपने सोने चाचा की कार। तो कार की चाबी ये रही। तो जल्दी से आओ कार को अनलॉक कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा इंटीरियर का टूर और एक्सटीरियर दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले एक्सटीरियर पर बैठते हैं। पहले इसको बंद कर देते हैं। देख सकते हो कार की चाबी है ये अपनी और ये फुली ऑटोमेटिक कार है। देख सकते हो अंदर आ जाओ। तो अब मैं जल्दी से कैमरामैन को भी अंदर बुला लेता हूँ। तो कैमरामैन अंदर आ जाओ। गियर पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तो ये आपकी गियर के इंडिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि आपको आप इस गियर को जहाँ पर खींचेंगे वो जगह यहाँ पर ना एक LED है वो ना थोड़ी सी जल जाएगी। देखिए जैसे अभी पार्किंग की चल रही है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये P फॉर पार्किंग है, R फॉर रिवर्स है, N फॉर न्यूट्रल है, D फॉर ड्राइविंग मोड है और ये 3 2 1 मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या है। और ये कमेंट में बताइएगा ये 1 3 2 1 का मतलब और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है कमेंट में जल्दी से बताइएगा। उसके बाद हम ऊपर को नज़र मारते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। उसके बाद अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर मेरा प्यारा सा चेहरा दिख रहा है। नहीं देख सकते हैं यार भाई ये ऐसे कोई बॉक्सेस हैं शायद से ये चश्मे रखने के लिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसे ही और है और इसको अब बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही है ऐसे। ये देखिए यहाँ पर भी आप अपना मुखड़ा देख सकते हैं। तो इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। तो अब भरते हैं इसकी तरफ को। सो यार भाई यहाँ पर कार फ्रेशनर है, यहाँ पर अपने इंडिया के फ्लैग्स हैं और यहाँ पर गणेश जी हैं। तो अब नीचे आते हैं तो अब देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन है, ये पार्किंग इंडिकेटर का है। आप देख सकते हैं यहाँ दो लाइटें भी जल चुकी हैं और उसके बाद नीचे आपको एक LED देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम फिर से नीचे को चलें तो यहाँ पर दो स्विच हैं, एक तो AC का है उसके बाद ये आपका विंडो का है। जैसा फॉग जम जाती है आपके विंडोज पे तो आप इसको ऑन करके आपकी सारी उसकी फॉग मिट जाएगी। उसके बाद ये AC का है, ये पापा को याद है। काफ़ी स्पेस है आप देख सकते हैं, मैंने इस कार की चाबी अंदर रख दी तब भी बहुत स्पेस है। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉटल्स रखने का है। सो भाई अब अगर आप इसकी तरफ को बढ़ेंगे अपना स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पर एक हॉर्न है और ये गाइस फोर्ड की कंपनी है और यहाँ पर ऐसे है कुछ, ये शायद तो गाइस वाइपर का होता है ना। हाँ और ये वाला इंडिकेटर का होता है। हाँ ये तो मुझे इतना तो पता है। उसके बाद ये जो इतने सारे कंट्रोल्स हैं इसका मुझे नो आइडिया है। इसमें भी बस ये पता है और अगर राइट को जाते हैं तो ऊपर करते हैं और अगर लेफ्ट को जाते हैं तो नीचे करते हैं, बस मुझे इतना पता है। उसके बाद भाई इस गाड़ी में क्लच बिल्कुल नहीं है तो मतलब अब समझ लो ब्रेक लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे ब्रेक। और यहाँ पर गाइस हैंड ब्रेक है, ये AC है, ये हाँ ये ऐसे है शो का। उसके बाद यहाँ पर भी बटन्स हैं, देख सकते हैं कैमरा मैन से ज़रा, मैं ज़रा कैमरा ले लेता हूँ अपना। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर भी बटन्स हैं और ये फ्यूल की टैंकर खुल जाता है इससे पीछे का। उसके बाद यहाँ पर आप जगह है, उसके बाद यहाँ पर नीचे एक चीज़ और है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्लच नहीं है, बीच वाला ये आपका गियर है और ये आपका एक्सेलरेटर है। सो गाइस अब जल्दी से पीछे आते हैं। मैं फिर से आ गया अपने भारतीय जुगाड़ से। तो उसके बाद अब जब आप यहाँ पर देखेंगे, मैं राइट पर बाद में जा रहा हूँ, पहले आपको दिखा रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पर पता है क्या है? नहीं पता है? नहीं एक और चेन है। उसके बाद पता है इसके अंदर क्या है? नहीं इसको भी खोलेंगे। जू, 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 जू। इस चेन को खोलने से पहले एक लाइक और सब्सक्राइब। जू, 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 जू।
जी हाँ, एलईडी। अरे भैया, तू क्या देख लियो? इसको बंद कर देते हैं। सो सेम एलईडी इस साइड भी है, तो देख सकते हो सेम एलईडी। उसके बाद अब सो गाइस आगे है अपनी दो बोतलें रखने की जगह, उसके बाद उससे पीछे वाली सीट पर है दो बोतलें रखने की जगह। तो अब इसी गाड़ी के बाहर आते हैं फुल 360 व्यू को लेके। और मेरी कैमरामैन थी वहाँ पर, इसलिए मैंने उसका फेस भी नहीं करा। सो यहाँ पर ऐसा है कुछ गाड़ी के टॉप पे, ये तो सोनू चाचा को भी नहीं पता होगा कि उनके गाड़ी के टॉप पर कुछ ऐसा है। तो भाई अब जल्दी से मैं नीचे उतरता हूँ। भाई ऐसे थोड़े ना उतरूँगा, आपको पूरा दिखाऊँगा लेकिन अपनी कैमरामैन के हाथों में फ़ोन देने के बाद। सो भाई अब उतरते हैं जल्दी से, डर लग रहा है अलग। अच्छा मजा आया। तो यार भाई जल्दी से चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। ओ कैमरा यहीं पर ही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इस साइड क्यों जा रहा हूँ, मैं तो इस साइड जा रहा था। हाँ तो मैं इस साइड इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पापा ने कहा कि पहले बाइक से राउंड लगाई हो मेरे साथ, तो चलो पहले मैं चलता हूँ बाइक पे। अभी काम था तो अभी मैं बैठ रहा हूँ फिर से गाड़ी पर। अब हम जा रहे हैं घर पे, तो अब टाइम लैप्स में दिखाऊंगा। टाइम लैप्स पूरे पूरे 8 मिनट का हो गया, अब उसको कट वट करूंगा। सो गाइस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झरना भी है, ये नगर पालिका का है लेकिन अभी ये चल ही नहीं रहा। तो गाइस पीछे ब्लैक हेड कमांडोज भी थे, मैं आपको दिखाना भूल गया। सो गाइस यहाँ पर अब हमारी गांधी समाधि आ चुकी है। सो भाई यार यहाँ पर पंगा हो चुका है किसी का। कोई बात नहीं भैया, देखो देख के चलाओ, थोड़ा ठंड का टाइम है, पता चला लग जाए क्या फायदा होगा, तुम्हारे लगे भाई के लगे किसी के लगे। अरे भैया बात तेज की नहीं है भैया, यहाँ पर कौन हो चुका है यार। भाई अभी तो मैं अपने स्टूडियो में आया हूँ, लाइट पता नहीं यहाँ पर लाइट को क्या हो गया, पता नहीं मेरे स्टूडियो की लाइट को क्या हो गया। सारी देखो जला कर देख रहा हूँ, नहीं चली चली जली, मेरा स्टूडियो की लाइट चल गई। अच्छा यस, अंदर की जल गई, बाहर की पता नहीं क्यों नहीं जल रही। अभी मैं अंकल को बुला कर दिखवाऊंगा, पता नहीं। और हाँ जिस जिसने गैस नहीं करा, हम कौन सी बाइक से गए भाई, आप कुछ गैस नहीं कर पाए। नहीं यार हम यामाहा R15 से गए थे। अरे बाबा, तो मैंने सोचा अगर लाइट आ रही होगी तो मैं अभी एडिटिंग ही कर लूंगा थोड़ी बहुत। नहीं यहाँ तो देखो लाइट ही नहीं आ रही है। अरे यार जो उस टाइम लाइटें चल रही थी वो भी अब नहीं चल रही। भैया मैं तो अंकल को बुलाने जा रहा हूँ। गाइस अब मैं अपने घर से निकल रहा हूँ और अब मैं मिलता हूँ आपको कार पर जाने के बाद। सो गाइस अब भी मैं कार पर ही जा रहा हूँ, मतलब गैरेज पर पापा के साथ। सो गाइस हम कार पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो वहां पर कार खड़ी हुई है हमारी। तो गाइस जल्दी से कार, अरे मैं आगे बैठूंगा तो भूल गया, या पीछे बैठूंगा पता नहीं, पापा से पूछता हूँ। सो गाइस पहले पापा गाड़ी निकाल लें बाहर, उसके बाद वो कह रहे हैं कि तब बिठा लूंगा।
आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले ये व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पर ही, और लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स। क्या कंप्लीट हो पाएंगे? मैंने बहुत ज़्यादा लाइक का टारगेट दिया है, मुझे पता है कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। क्लेम पर अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।